लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने की है खुलेआम गाली गलौज। मॉरिशस में एक भारतीय समाज के जलसे में अक्षय कुमार ने शराब के नशे में 3 बुजुर्गों को जमकर कोसा है, साथ ही एक महिला पर जिस्म फरोशी का इल्जाम भी लगाया है। आइए देखते हैं कि बॉलीवुड का इसके बारे में क्या कहना है। Alcohol just doesn't suit him. I've known Akshay ever since I was a commoner just like him. Digest नहीं होता तो नवाबों वाली शौक मत रखो यार। दारू? कौन अक्षय कुमार? आखी? राजीव बाटिया? नहीं। और अक्षय से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो भाई, इस दुनिया में एक ही एंग्री यंग मैन है, वो अभी थोड़े सीनियर हो गए। दारू? वो तो चाय भी नहीं पीता था यार। कंपनी ना, कंपनी बदल दी, मेरे साथ जो फिल्में नहीं कर रहा। If you need any advice, आ जाओ यार, कभी भी आ जाओ, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, या वो भी नहीं पीते पब्लिक में, हाँ बता दो, जो कुछ भी है, नारियल पानी। मैम आपके सन इन लॉ शराबी निकले, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नाइस, फर्स्ट ऑफ अप्रैल। मैम आपको नहीं लगता कि शराब पी के दंगा करना बुरी बात है? इन लोगों के परिवार वालों का सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। हमारे पापा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनकी दोस्त केडी जो है ना, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। केडी अंकल और लाली अंकल, दरअसल इन दोनों की नजर हमारी दुकान पर है। मैं कह रही हूँ, लाली जी शौकीन नहीं है। अक्षय कुमार शराब के नशे में थे। What have I done? पूरी दिल्ली में आग लगी हुई है, हमारी न्यूज चारों तरफ फैली हुई है। 3 लेचरस मेन घर क्या मुंह लेके जाएंगे? सब ठीक हो जाएगा यार, वी हैव टू बी पॉजिटिव। अरे यार, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ओ, ये तो अक्षय कुमार है। तुम लोग तीनों बुड्ढे सटिया गए हो क्या? भाग क्यों रहे हो तुम लोग? तुम हमें मार दोगे। मैं तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ, घर बर्बाद कर दिया मैंने तुम लोगों का। कल मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, और वो आना कहाँ है, उससे ही माफी मांगनी है मुझे। आना हमसे बात नहीं कर रही है। अक्षय कुमार जी, बहुत गलती हो गई हमसे, वो बच्ची हमारी वजह से बदनाम हो गई। ऑनेस्टली उसे तो पता भी नहीं है कि हमने उसके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें की। एक बात कहूँ, तुम तीनों की शक्ल देख के ना साफ जाहिर होता है कि तुम तीनों बचपन से ही ठरकी पैदा हुए थे। एक्सक्यूज मी सर, मैं ठरकी नहीं हूँ, मैं इस केडी की वजह से फंस गया हूँ यहाँ पर। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, लोग सब जानते हैं मुझे, मैं अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ सर। और लाली, तेरा कहने का मतलब है मैं उठाएगी ना? और नहीं तो क्या, तूने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे और पिंकी को गंदे कामों में घसीटा। तूने हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, इसकी वजह से हम यहाँ मॉरिशस में आए हैं। हम परिवार वाले हैं यार, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, तुझे फैमिली वैल्यूज का क्या पता है? ए, लाली लाली, ए, तुम ज्यादा बोल रहे हो। क्या लाली, ज्यादा बोल रहे हो? तुमको मालूम है कि किडी ने आज तक शादी क्यों नहीं की? और पिंकी रहने दे यार, और रहने दे यार, बोले दे भगवान, बोले दे यार, क्योंकि केडी किसी से प्यार करता था। वो लड़की थी तुम्हारी बहन चंचल। इंटरेस्टिंग कहानी बिटू। ओ यार अक्षय जी, आप चश्मा पहन लीजिए। वो तो जिंदगी भर कुमारा रह गया इस कसम के चक्कर में कि हम कभी एक दूसरे की बहन पर नजर नहीं डालेंगे। तुम जिसे गिरा हुआ कह रहे हो ना, उसने खाली हमारी दोस्ती की खातिर अपने प्यार का गला घोंट दिया। अरे यार, दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो हम साथ साथ रहेंगे, याद है कि नहीं? तू पागल है, बचपन की बातों को इतना सीरियसली ले लिया? वहां चंचल डिवोर्स करा के बैठी है, और तू या मॉरिशस में खाक छान रहा है, पहले बता दिया होता यार। कमाल है यार तुम तीनों का, 100 गलतियां करके एक सही काम करके दिल जीत लिया यार तुम लोगों ने। चलिए आइए, अपनी अपनी गलतियां सुधारते, आइए मैं मदद करता हूं आपकी। चलिए,
How dare you come back? Get lost. Anna. मुझे लाली केडी और पिंकी ने सब कुछ बता दिया. पता नहीं मैंने कल स्टेज पे क्या क्या कह दिया. आई अपोलोजाइज. आई एम रियली सॉरी अबाउट. अभी अभी तुमने कहा था ना कि मैं ना पिग्स. वी आर नॉट पिग्स. वी आर एचकेपीज. अब उसके पुजारी. नो नो. हंसते खेलते पपीज. जस्ट लुक एट देम. इनकी शक्लें देखो. देखो मैं चाहता हूँ कि तुम कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसके लिए आओ. अब देखो मना मत करना. यू हैव टू कम देयर. हमें गलती सुधारने का मौका दो प्लीज. व्हाट्स द ड्रेस कोड? फॉर्मल या कैजुअल? दैट्स द स्पिरिट. गुड इवनिंग एवरीवन. कुछ घंटे पहले मेरी वजह से हिंदुस्तान में काफी हंगामा हो गया था. वेल यही तो हम चाहते थे. दिस वॉज ऑल अ वेल प्लान्ड मार्केटिंग कैंपेन. व्हाट? एब्सोल्युटली. दिस वॉज अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर माई नेक्स्ट फिल्म. एंड द फिल्म इज कॉल्ड अल्कोहलिक. व्हाट अ नेम. व्हाट अ नेम. अल्कोहलिक. एंड नाउ जिसने इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया, जिन्होंने लाखों लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवाई, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई थ्री real lovely uncles. Meet KD uncle. What a fine man. Aaj main sabke samne batana chahta hu ki aaj jo kuch bhi main hu, jo kuch bhi main seekha hu, KD uncle ki wajah se hi hai. Thank you KD uncle. Beta Rajiv, I have no words. Thank you beta. Thank you. So sweet KD uncle. And that's Lali uncle. Fashion, style, class. He is my style icon. Thank I love you, Lali uncle. I Thank love you. And now, the Masala King from Chowdi Bazaar, Pinky uncle. आप सभी जानते हैं कि मैं एक शेफ हूँ. Cooking का शौक है मुझे, और ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ. इनकी बदौलत से. Give him a big hand. शुक्रिया मोहल्ले में इज्जत बच गई. ना वो लड़की जिसने लाखों लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवाई और फिर भी वो डटी रही. प्लीज वेलकम वन एंड ओनली अहाना बक्से. अहाना बक्से. फ्रेंड्स एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि शी इज माय नेक्स्ट फिल्म हीरोइन. अरे वाह अक्षय. व्हाट आर यू सेइंग? मुझे एक्टिंग नहीं आती. तुम्हें डिजाइनिंग भी तो नहीं आता. और वैसे भी जिसको कुछ नहीं आता वो एक्टर ही बनता. मुझे देख लो हंसने की आवाज. ओके वन मोर टाइम. आई विल चैंट ओम. आई एम रेडी. राज मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बने वाली. एक्शन. राज आई फॉरगॉट माय लाइन. नो नो नो. आई विल डू इट अगेन. अक्षय यू डोंट माइंड वेटिंग ना. बुंडू वो सांप वाला है ना, उसका पटारा लिया. मेरे पे सांप छोड़ दे, काट लेंगे मुझे. कम से कम शहर जाके कुछ मजा तो आएगा नया. हाउ इज माय हेयर? पागल कर दिया इस डायन ने. थक गया हूं इसको देख के. क्यों गया था मैं मॉरिशस? मार दूंगा एक दिन इसको पकड़ के. पहली प्रोडक्शन में कंगाल का.